हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा, जो अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए अभी हम लोग अपने लोकेशन पे चलते हैं। हम और मेरा लंगोटिया साथ में जाएंगे और अपनी धन्नू के साथ जाएंगे। तो चलिए उस लोकेशन पे ले चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। Do you believe me that I'm alone? It's true, would you love me? तो फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, हम और मेरा दोस्त। तो ये बिहार का एक ऐसा रेस्टोरेंट बनने वाला है जो अभी तक कहीं नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर में बन रहा है, प्लेन वाला रेस्टोरेंट। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा प्लेन वाला रेस्टोरेंट, और ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। अभी ये बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। तो ये रहा हमारा प्लेन वाला रेस्टोरेंट। यार काफ़ी मस्त लगेगा जब ये रेडी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और सनसेट हो गया तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी चलेगा कुछ टाइम, अभी लगेगा बनने में। और क्या ही कहें इसके बारे में, बहुत प्यारा जगह है। तनिकेत कुछ कहेगा इस वाले रेस्टोरेंट? बस बहुत प्यारा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए कब। तो फाइनली ये रहा हमारा प्लेन जो क्रैश हो चुका है। नहीं, क्रैश नहीं हुआ, बस ये ला के रखा गया। तो एक ये स्ट्रक्चर है यहाँ प्लेन वाला रेस्टोरेंट का, और यहाँ पे ये ऑफिस रहेगा। ऐसे ये लोग जाएंगे, मतलब जो अब रेस्टोरेंट ओपन होगा तो यहाँ से चढ़ेंगे और फिर वहाँ से उस कनेक्ट किया जाएगा उसको। वहाँ पे देख रहे गेट है, वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे। और यहाँ का कुछ ऐसा लोकेशन, ये थोड़ा मतलब लोकल टाइप का आपको लग रहा है, जब ये बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा जगह है। तो ये मुजफ्फरपुर का बहुत यूनिक चीज़, यूनिक कंसेप्ट लाया गया है ये प्लेन वाला रेस्टोरेंट, जो पूरे बिहार भर में फर्स्ट ऐसा हो रहा है। तो देखिए हमारा प्लेन बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतना बड़ा प्लेन लग रहा है। तो अभी वो यहाँ के देखभाल करते हैं। तो अभी ये नवंबर, मतलब ये दिसंबर या मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर होस्टेस टाइप की यहाँ पे रहेंगे सर्विस देने के लिए, और सब कुक मतलब सब बनाने वाले भी रहेंगे। तो जब ये ओपन होगा तो बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा मस्ती करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, ये आपको पास से दिखाते हैं। तो इसका ये टायर थोड़ा हेवी है यार, बहुत वजन होगा। और आपको चलिए पूरा पीछे तक दिखाते हैं इस प्लेन का स्ट्रक्चर। अभी तो काम चल रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये। जब ये बन के रेडी होगा तो क्या बोलूँ, तब आने में जो मज़ा है ना यार, तो जब आने का मज़ा आएगा, जब खुल जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये कुछ पीछे का ऐसा लुक है, और वहाँ पे दोनों टायर, ये विंग्स इसका बहुत लंबा है और बहुत हाइट पे हम लोग का। देख कैसे शिफ्ट किए होंगे इतने ऊंचाई पे इसको। तो ये पूरा खाली एरिया, जो पूरा रेस्टोरेंट ही बनेगा इसमें, पूरा रेस्टोरेंट बनेगा। तो यहाँ का जो मुजफ्फरपुर का एक, तो इसका ये इंजन है, आई थिंक अंदर में इंजन है इसका, प्लेन का इंजन है। तो यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं, सब मस्ती भी कर रहा है। मेरा लंगोटिया देखिए वहाँ पे मस्ती कर रहा है एक भाई के साथ, तो हम लोग भी थोड़ा मस्ती करें। हमारा प्लेन तो आई थिंक क्रैश नहीं हुआ, बस ये रखा हुआ था, आप लोग समझिए नहीं कि क्रैश मुजफ्फरपुर में से कहाँ पे आ गया प्लेन। तो यहाँ पे अब सनसेट भी चालू हो चुका है, और यहाँ पे मेरा लंगोटिया, पता नहीं घुमसूँ मैं फिर से, और ये मेरा भाई मिल गया बहुत दिनों बाद, और उधर एक और बेचारा कहाँ खोया हुआ गर्लफ्रेंड के गम में, पता नहीं क्या। तो भाई बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है प्लेन वाला रेस्टोरेंट का तुम लोग, पता कैसा मतलब? अच्छा, जब खुलेगा तो सब लोग आएंगे ना घूमने, आएंगे ना, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जरूर आएंगे। तो वहाँ पे आ चुके और एक आदमी सब आ गए लोग आए कहाँ से, सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सब लोग आते हैं शाम की मस्ती करने यहाँ पे, सब अपना फोटो वीडियो शूट करने, बहुत यूनिक चीज है, इसलिए सब लोग आते हैं और हम भी मस्ती कर रहे हैं। और यार इसको देखिए लंगोटिया क्या कर रहा है यार। तो ये कुछ
सब लोग यहाँ पे रोज ऐसे ही कुछ प्यारा सा ब्लॉग था आज का। तो चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर इस ब्लॉग को प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत दिन से मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था कि आप लोग को दिखाऊं बहुत दिन से सोच रहा था, तो आज फाइनली हमने आप लोगों से शेयर किया। तो अपना जरूर आप इस पे प्यार दीजिए और शेयर दीजिए। अगर मुजफ्फरपुर का बहुत मस्त रेस्टोरेंट होने वाला है तो इसको सब लोग में आप लोग शेयर कीजिएगा और